केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के युवाओं को अब खेल के मैदान में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। बुधवार को प्रदेश के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कट्टरपंथियों के गढ़ माने जाने वाले श्रीनगर के डाउनटाउन में 4 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किए गए इंडोर स्टेडियम का शुभारंभ किया। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि मुझे स्थानीय लोगों ने बताया कि 75 वर्षों में आज तक कोई भी राज्य का मुखिया इस क्षेत्र में नहीं आया, पहली बार राज्य का मुखिया डाउनटाउन में आया है। पिछले 2.25 महीनों से आंदोलन पर उतरे जल शक्ति विभाग के अस्थाई कर्मियों ने दूसरे विभाग के अस्थाई कर्मियों से कहा कि वे अधिकारियों के लिए एकजुट हो जाएं, क्योंकि एकता से ही हम अपने हक ले पाएंगे। पिछले 15-20 बरस से सेवा देने के बाद भी सरकार अस्थाई कर्मियों को धोखे में रखे हुए है। बुधवार को बीसी रोड स्थित जल शक्ति विभाग के कार्यालय पर रखे गए धरना प्रदर्शन में कर्मियों ने अर्धनंग होकर अपनी आवाज बुलंद की। बांदीपुरा में बुधवार को अध्यक्ष भाजपा जम्मू कश्मीर रविंदर रैना की अध्यक्षता में एक बैठक हुई, जिसमें सैकड़ों लोगों ने भाग लिया। ये पहला मौका था जब रविंदर रैना ने जनसभा को आयोजित किया और यहां पर इनको संबोधित भी किया। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए रविंदर रैना ने कहा कि जैसे ही पाकिस्तान को लगता है कि कश्मीर में शांति हो रही है और दल लोकतंत्र की ओर बढ़ रहे हैं, तो पाकिस्तान बंदूकों का सहारा लेकर हर संभव प्रयास करता है कि यहां पर अशांति फैला दी जाए। अरनिया सेक्टर में पाकिस्तान की फायरिंग या सीज फायर का उल्लंघन इसी का हिस्सा है। चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि हम किसी भी चीज के लिए तैयार हैं और आने वाले चुनावों में भाजपा 50 सीटों का आंकड़ा पार करेगी। राजौरी जिला प्रशासन ने सहायक आयुक्त पंचायत अब्दुल राशिद कोली को धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाती हुई टिप्पणी करने की शिकायत के बाद निलंबित कर दिया है। यही नहीं, पूरे मामले की जांच के लिए एडीसी राजौरी की अध्यक्षता में जांच कमेटी को भी गठित किया गया है, जिसमें 15 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट पेश करने के निर्देश जारी किए हैं। बांग्लादेश में डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही जिला अनंतनाग बिजबिहाड़ा की रहने वाली खुशबू का संगीन परिस्थितियों में हॉस्टल की छत से गिरने से मौत हो गई है। खुशबू किन परिस्थितियों में हॉस्टल की इमारत से नीचे गिरी, इस बारे में फिलहाल कोई आधिकारिक जानकारी तो नहीं मिली है, परंतु खुशबू के परिजन लगातार केंद्र सरकार से अपील कर रहे हैं कि उनकी बेटी का शव श्रीनगर पहुँचाया जाए, ताकि वह उसे अनंतनाग में ही सुपुर्द खाक कर सके। गुलाम नबी आजाद के साथ शामिल होने के साथ पूर्व विधायक देवसर मोहम्मद अमीन भट्ट ने बुधवार को देवसर निर्वाचन क्षेत्र के बेमिना में कार्यकर्ताओं की बैठक की, जिसमें सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। बैठक में गुलाम नबी आजाद की पार्टी बनाने पर कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया, जबकि इस अवसर पर मोहम्मद अमीन भट्ट ने दावा किया कि गुलाम नबी आजाद एकमात्र नेता है जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस दिला सकते हैं और जम्मू कश्मीर की पहचान की रक्षा के लिए अनुच्छेद 371 को लागू करने की बात करेंगे। मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर के अनुसार 10 सितंबर को कुछ हिस्सों में बारिश हो सकती है, लेकिन आगामी दिनों में अधिकतर मौसम साफ रहेगा। जम्मू कश्मीर की अगर बात की जाए तो अमूमन सितंबर के मध्यम तक मानसून यहां सक्रिय रहता है। रामबन के मंकी मोर में बुधवार को एक हादसा पेश आया है। मिली जानकारी के अनुसार टिप्पर जो है एक दुर्घटनाग्रस्त हो गया। बताया गया है कि चालक के द्वारा वाहन पर से संतुलन खो जाने के कारण टिप्पर गहरी खाई में जा गिरा और चालक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं जो है मृतक का शव डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रामबन में शिफ्ट किया गया और आगे की कार्रवाई को भी शुरू कर दिया गया है। 2014 के छतरपुर के बाढ़ पीड़ितों की तरफ से बुधवार को श्रीनगर के प्रेस इनक्लेव में विरोध प्रदर्शन दर्ज किया गया। इस दौरान इन्होंने उपराज्यपाल प्रशासन से कहीं न कहीं गुहार लगाई है और कहा है कि जल्द से जल्द अदालती आदेशों को लागू किया जाए। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने गुहार तो लगाई, साथ ही साथ बताया कि उनकी अगर देखा जाए तो फ्लड रिलीफ का बकाया अभी तक बचा हुआ है। इन लोगों पर अब काफी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसको लेकर इन्होंने दरवाजा खटखटाया था अदालत का। पूर्ण कश्मीर के वाइस चेयरमैन शैलेंद्र एमा ने कहा कि कश्मीरी हिंदू दर बदर है, इनकी सुनवाई करने के लिए ना ही न्यायालय तैयार है और ना ही सरकार, ऐसे में ये लोग कहाँ जाए। ये बात ही बुधवार को एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कही। सोशल मीडिया को प्रभावित करने वालों और उस पर
अपनी छाप रखने वाले लोगों और सेलिब्रिटीज यानी कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लिए केंद्र सरकार ने गाइडलाइन जारी करने का फैसला किया है। इसके अंतर्गत हर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए तय दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। सरकार से जुड़े सूत्रों के मुताबिक आने वाले 15 दिनों में संबंधित गाइडलाइन जारी कर दिए जाएंगे। टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री के निधन के बाद देश में रोड सेफ्टी को लेकर एक कैंपेन सा शुरू हो गया है। सरकार ने अब साफ तौर पर कह दिया है कि जब तक जो है अब जितने भी गाड़ी में बैठने वाले लोग हैं उनका सीट बेल्ट पहनना अनिवार्य होगा। इसमें पिछली सीट पर बैठे लोगों को भी सीट बेल्ट पहनना होगा। अगर वे सीट बेल्ट नहीं पहनते हैं तो उनका चालान कटेगा। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिला के बिजबिहाड़ा के थजीवारा गांव में आकस्मिक मुठभेड़ में दो आतंकवादियों को मार गिराया गया है। पुलिस ने बुधवार को ये जानकारी दी। बता दें कि कश्मीर क्षेत्र की पुलिस ने एक ट्वीट में सूचित किया कि अनंतनाग पुलिस द्वारा थजीवारा में आकस्मिक मुठभेड़ में दो आतंकवादी मारे गए हैं। पुलिस ने कहा है कि आगे का विवरण तदनुसार साझा किया जाएगा। पुलिस के ट्वीट के अनुसार अनंतनाग के बिजबिहाड़ा इलाके के थजीवारा में अनंतनाग पुलिस की आकस्मिक मुठभेड़ में दो उग्रवादी ढेर किए गए। पुलिस ने बुधवार को दक्षिण कश्मीर के शोपियां जिला में लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े दो हाइब्रिड आतंकवादी को गिरफ्तार किया है। बताया गया है कि ट्रेंस के नाका चेकिंग के दौरान पुलिस की संयुक्त टीम सेना की 44RR और CRPF की द्वारा जो है दो आतंकियों को पकड़ा गया। उनकी पहचान फुदान रफियाबाद निवासी फैजान फयाज भट्ट पुत्र फयाज अहमद भट्ट और कोंसो शोपियां निवासी निजामुद्दीन निवासी यावर निजाम मीर के रूप में हुई है। साथ ही साथ बताया गया है कि उनके कब्जे से दो पिस्टल सहित अन्य हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया है। इस संबंध में मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी गई है।